और ये वीडियो आप इसलिए देख रहे हैं कि आपको शायद डॉक्टर ने एएलपी टेस्ट प्रिस्क्राइब किया हुआ है, और या फिर आपने देखे कि आपके एएलपी बढ़ चुका है। तो क्या होगा अगर आपके एएलपी बढ़ जाए, तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नमस्कार दोस्त, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ शोमूज बायोलॉजी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएलपी टेस्ट के लिए, मतलब अल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट क्या होता है, व्हाई दिस टेस्ट, मतलब ये परीक्षा किस लिए दिया जाता है। तो चलिए, एएलपी अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये भी एक एंजाइम है, और अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता ही हो गया होगा कि एंजाइम क्या होता है। एक प्रोटीन जो बॉडी की बहुत सारे फंक्शंस में खुद इन्वॉल्व होते हैं और खुद को चेंज ना करते हुए भी वो फंक्शन को प्ले करते हैं। तो एंजाइम हमारे डाइजेशन में काम आता है, डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड कंटेंट है वो बॉडी की सेल में जाने के बाद वहां से एनर्जी तैयार करने के लिए भी काम आते हैं। तो बहुत सारे काम आते हैं, एंजाइम के बिना हम जी नहीं सकते। तो ऐसे एक एंजाइम है एएलपी अल्कलाइन फॉस्फेटेज, जो चीजों को काट डालते हैं, चीजों को तोड़ डालते हैं, एएलपी। तो ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज कहां तैयार होता है? लिवर, लिवर में अल्कलाइन फॉस्फेटेज तैयार होता है। और सिर्फ लिवर ही नहीं, यहां पर अगर आप देखो जूम करके, पता नहीं आप देख सकते हो नहीं, मैं यहां पर दिखा दूं आपको। यहां पर अगर आप देखें कि ये एक जो ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहा जाता है बाइल, मतलब गॉल ब्लैडर। तो यहां पर अगर लिवर की पिछले हिस्से में आपको दिखाऊं, ये होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? गॉल ब्लैडर में लिवर में जो भी एंजाइम तैयार होता है वो सिक्रीट होता है, मतलब लिवर से वो रिलीज होके हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक में आना चाहिए, मतलब स्टोमक में घुसना चाहिए। तो लिवर तो वो एंजाइम बनाता रहता है और सिक्रीट करता रहता है, तो इसलिए एक स्टोरेज रूम चाहिए होता है जहां पर जाके लिवर वो जो एंजाइम है उसको स्टोर कर सके। तो ये गॉल ब्लैडर वैसे एक स्टोरेज रूम है जहां पर लिवर के जो सिक्रीशन से वो जाके स्टोर होता है, और उसका कलर ऐसे डार्क ग्रीनिश रहता है नॉर्मली। और जब भी जरूरत पड़ता है ऐसे ये लिवर पोजीशन रहता है। आप देखो ये लिवर ऐसे पोजीशन रहता है, इसके नीचे ऐसे स्टोमक है कि यहां पर ये जो गॉल ब्लैडर है यहां से होते हुए ये जो बाइल डक्ट है, आपको मैंने पहले भी बताया कि बाइल डक्ट जो गॉल ब्लैडर से कनेक्टेड है ये जाके ओपन होता है कहां पर, जहां पर स्टोमक जाके इंटेस्टाइन के साथ मीट करता है, ये जगह। यहां पर आप जूम करें तो भी देख पाएंगे, उस जगह को कहा जाता है ड्यूओडेनम, मतलब स्टोमक जहां पर खत्म होता है वहां से इंटेस्टाइन शुरू, और वहां पर उसको कहते हैं हम ड्यूओडेनम। तो यहां पर ये जो जितना भी बाइल सॉल्ट्स है और लिवर के सिक्रीशंस है वो बाइल डक्ट से होते हुए जाके ड्यूओडेनम में जाके वो रिलीज होता है। अब ड्यूओडेनम में क्या है, डाइजेशन, जो स्टोमक में डाइजेशन हुआ वो हो चुका है, वो भी ड्यूओडेनम में आ जाएगा, और आखिरकार हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो ड्यूओडेनम से कंटिन्यू होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन होके, मतलब यहां पर ये जो देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन जगह है, यहां पर डाइजेशन कंटिन्यू होता रहेगा। तभी बात ये है कि ये जो एएलपी अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम लिवर में तैयार होता है, और ये बाइल डक्ट में भी तैयार होता है। तो ये बाइल डक्ट में बहुत रहता है, लिवर से होते हुए बाइल डक्ट होते हुए ये जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तभी अगर सोचो कि अगर नॉर्मली ये लिवर ये एंजाइम तैयार करेगा और बाइल डक्ट में होते हुए ये गॉल ब्लैडर में जाके इसको स्टोर कर देगा, मगर अगर लिवर में ये एंजाइम ज्यादा पाया जाए, इसका मतलब हो रहा है कि लिवर में ये तो तैयार हो रहा है मगर ये रिलीज नहीं हो पा रहा है। क्यों? यहां पर सिर्फ एक ही रास्ता है, लिवर में ये तैयार हो रहा है, गॉल ब्लैडर में जाके वो स्टोर होगा, एक पाइपलाइन। वो पाइपलाइन क्या है? बाइल डक्ट। तो लिवर में तो ये तैयार हो रहा है ठीक ठाक, मगर वो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर नहीं हो रहा है, उसका मतलब हो रहा है कि जो पाइपलाइन है ये में, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो ये बात हुआ लिवर की, मगर एएलपी सिर्फ लिवर में तैयार नहीं होता, एएलपी पाया जाता है दूसरे जगह में भी। एएलपी पाया जाता है बॉडी के किडनी, यहां पर भी तैयार होता है। एएलपी पाया जाता है दो और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर, वो है बोन्स, ठीक है, बॉडी के जो बोन्स होते हैं वहां पर एएलपी बहुत ही हायर मात्रा में पाया जाता है। जो वर्टिब्रे देखें या फिर कोई भी बॉडी के स्ट्रक्चरल जो बोन्स हैं वहां पर एएलपी ज्यादा तौर पे पाया जाता है। और एएलपी यहां पर भी पाया जाता है प्लासेंटा, प्लासेंटा मतलब जो जो स्ट्रक्चर के अंदर एक ह्यूमन बेबी जो है वो बढ़ता है अंदर, वही स्ट्रक्चर होता है प्लासेंटा।
उस प्लासेंटा में भी ये हायर मात्रा में पाया जाता है। तो ये नॉर्मल है कि वहां पर वो तैयार होता है। तो अगर प्लासेंटा में हायर एएलपी हो या फिर कोई बेबी जो न्यू बॉर्न हो उसके अंदर अगर एएलपी हायर मात्रा में हो, वो डरने की बात होता नहीं है, क्योंकि वो उन जो जो न्यू बॉर्न बेबी है उनके यहाँ पर बोन जो है हर वक्त फॉर्म होता है। बोन पहले तो बोन बहुत सारे रहते हैं, उसके बाद उसका रीअरेंजमेंट होता है, सब कुछ होता है, तो इसलिए एएलपी बढ़ता रहता है, तो उसका कोई डरने की बात नहीं होता है। सिमिलरली अगर प्लेसेंटा में भी, मतलब प्रेग्नेंट औरत में भी अगर आप ज्यादा तौर पे एएलपी मात्रा ज्यादा मात्रा में आपको मिले, वो भी डरने की बात नहीं होता है, क्योंकि वो प्लेसेंटा में एएलपी ज्यादा तैयार होता है। मगर अगर कोई हेल्दी एडल्ट में एएलपी ज्यादा हो और वो प्रेग्नेंट भी ना हो, तब जाके ये एक प्रॉब्लम महसूस हो सकता है, क्योंकि तब जाके अगर एएलपी ज्यादा हो तो एक लिवर के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, दो बोन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है। व्हाट विल हैपन इफ इट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, मतलब अगर ये वैल्यू ज्यादा या घट जाए नॉर्मल वैल्यू से, तो कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं? तो ये एएलपी अगर आपको ब्लड में बढ़ जाए, उसका मतलब है कि यहां पर ये जो गॉल ब्लैडर और लिवर के बीच का जो कनेक्शन है, ये डक्ट जो है बाइल की डक्ट में कुछ कंस्ट्रक्शन है, मतलब यहां पर कुछ क्लॉट है, मतलब ये जो रोड है ये जैम है, ठीक है, ये एकदम सिंपल टर्म में। तो ये अगर जैम होता है तब यहां पर एएलपी के कंसेंट्रेशन लिवर में बढ़ जाता है, और लिवर में अगर एक ऐसा एंजाइम बढ़ जाए जो चीजों को काट डालता है, मार डालता है, तो लिवर का भी क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, यही प्रॉब्लम होता है। डेफिनेटली लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो लिवर कैंसर हो सकता है, कुछ सिचुएशंस में लिवर फेलियर हो सकता है, लिवर एब्सेस हो सकता है। उसके साथ साथ अगर ये बोन में ज्यादा तौर पाया जाता है तो क्या हो सकता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, मतलब नॉर्मल जो कंसेंट्रेशन है उनसे भी ज्यादा हो रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म मींस हमारे यहां पर थायराइड ग्लैंड है, यहां पर ये जो थायराइड ग्लैंड रहता है, यहां पर थायराइड ग्लैंड यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, उस हिसाब से दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर वो स्ट्रक्चर यहां पर महसूस नहीं है, मगर ये थायराइड जो ग्लैंड होता है, इस थायराइड ग्लैंड यही जगह पर होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड में भी हार्मोन तैयार होता है, और अगर कोई हार्मोन ज्यादा हो जाए थायराइड हार्मोन, तो हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, तो हाइपर थायराइडिज्म सस्पेक्ट हो सकता है, उसके वजह से एएलपी बढ़ गया। या फिर अगर एएलपी कम हो जाता है, उसका मतलब होता है हाइपो थायराइडिज्म, मतलब नॉर्मल से वो घट जाए। अगर बोन में एएलपी ज्यादा, उसका मतलब ये भी हो सकता है ऑस्टियोमेलेशिया, एक डिजीज है, ये हो सकता है रिकेट हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो डिजीज है और बोन रिलेटेड कैंसर, ये सारे डिजीज में जो है बोन रिलेटेड एएलपी जो है वो बढ़ जाता है। मगर ऐसा कोई अलग से नहीं होता है कि बोन का एएलपी और लिवर का एएलपी अलग होगा, एएलपी एक ही होता है, मगर वो ज्यादा है तो सस्पेक्ट हो सकता है कि बोन रिलेटेड डिजीज हो या फिर आपका लिवर रिलेटेड डिजीज हो। और 100% अगर बोन ठीक ठाक है आपका, एक्सरे से पता चला सब कुछ ठीक है, बोन में कोई सिम्टम्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर लीवर रिलेटेड ही है, तो इसका मतलब है 100% बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब मैंने जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया कि वो बाइल डक्ट का जो पाइपलाइन, वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन, उसके वजह से लीवर के अंदर एएलपी का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो ये डिजीज सस्पेक्ट किया जा सकता है। इस टेस्ट को करने के लिए कितना पेन को आपको झेलना पड़ सकता है, उसका मात्रा? अब बात करते हैं टेस्ट रेटिंग। टेस्ट में पेन है नहीं, क्योंकि ये ब्लड टेस्ट है, सिंपली ब्लड लिया जाएगा, 5 ml ब्लड इनफ रहता है टोटल लिवर फंक्शन टेस्ट करने के लिए, और एएलपी एक लिवर फंक्शन टेस्ट की ही पार्ट होता है, तो कोई पेन नहीं होगा। पेनफुलनेस रेटिंग में 2/10 दूंगा। ये बीमारी कितना डेंजरस हो सकता है और उसका डिफिकल्टी रेटिंग कितना है, उसके बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशन रेटिंग के बारे में, कॉम्प्लिकेशन रेटिंग लिवर रिलेटेड कोई भी डिजीज में हम 6 से ऊपर ही रखते हैं, तो यहां पर भी एएलपी ज्यादा हो तो लिवर के साथ साथ बोन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहां पर जो है कॉम्प्लिकेशन रेटिंग में 7 दूंगा out of 10। मतलब ये कॉम्प्लिकेशन, मतलब अगर आपको हाई एएलपी ब्लड में पाया जाता है, उसका मतलब है आपको लिवर में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको बोन में कोई प्रॉब्लम है, और ये बोन कैंसर या फिर लिवर कैंसर के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये अगर प्रॉब्लम आपका हो तो आप फौरन जाके ट्रीटमेंट करवाए, आप देखें क्या हो रहा है और डॉक्टर के पास जाइए और ट्रीटमेंट करवाए जल्दी से जल्दी। आखिर में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जिनसे आप खुद को इस बीमारी से बचा सकते हो। एक टिप आखिर में जाने से पहले कि लिवर रिलेटेड कोई भी डिजीज को आप लाइटली मत लीजिए, क्योंकि लिवर बॉडी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन में से है,
मैं समटाइम्स ये भी कह सकता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली आप बहुत ही फास्ट जल्दी ट्रीटमेंट कीजिए, अच्छे जगह से अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कीजिए। और ये भी अगर पॉसिबल हो कि 1 साल 2 साल के बाद बाद आप लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मली कीजिए, चेक करने के लिए कि आपके लिवर ठीक ठाक फंक्शन कर रहा है या नहीं। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल में और बेल आइकन का दबाइए ताकि आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप इसको देख सकें और भी महत्वपूर्ण जानकारी अपने बॉडी के बारे में आपको पता कर सकें। थैंक यू।